फिटनेस का मेन आपकी ज़िंदगी में क्या रोल है या कैसे आपको डिसाइड करना चाहिए? बेसिकली जो आप जिम में या कोई भी आपका सेंटर ऐसा रहता है जिसमें कि आप वर्कआउट्स करते हैं या आपका न्यूट्रिशन की गाइडेंस मिलती है, मेन ज़रूरत ये है कि जो आप 1 घंटा यहाँ पे परफॉर्म करें उसका वायदा आपको बचे हुए 23 घंटे में प्रोडक्टिविटी में, परफॉर्मेंस में होना चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो आपके बचे हुए 23 घंटों में भी परफॉर्मेंस दिखनी चाहिए। इसी मद्देनज़र रखते हुए आपको अपने फिटनेस के प्रोग्राम या फिटनेस वर्कआउट के जो प्लान है वो स्टार्ट करने चाहिए। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अरविंद जी जो है, अरविंद जी ने अभी लेटेस्ट 40 डेज पहले ही हमारा जिम ज्वाइन किया है, और इससे पहले ये हालांकि जूडो के इंटरनेशनल प्लेयर रहे हुए हैं, लेकिन जब ये हमारे पास आए थे, मैं आपको बल्कि इनकी पिक शो करता हूँ, जब ये हमारे पास आए थे तब इनका वेट 102 केजीज था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और 17 अप्रैल को, 21 मई को अभी इनका वेट 92 केजीज है। इनका जो वर्कआउट का प्लान रहा है वो मिक्स रहा है, जिसके अंदर हमने 4 दिन वेट ट्रेनिंग किया है, और वेट ट्रेनिंग में प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक टर्म रहता है, यानी कि धीरे धीरे आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना होता है, आपकी बॉडी पे प्रेशर बढ़ाना होता है, और उसके अलावा इनका कार्डियो का, ये जो कार्डियो का मेन तो आमतौर पर गलती क्या रहती है कि लोग आते ही 20 मिनट जो है ट्रेडमिल पर कार्डियो करते हैं, जबकि तरीका ये है कि आप सिर्फ पहले 5 मिनट जो है वार्म अप करें, वार्म अप के बाद आपका डायनेमिक स्ट्रेचिंग, और फिर आपको वेट ट्रेनिंग करना होता है। वेट ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि अगर आपको फैट लॉस करना है तो सिर्फ आपको कार्डियो से ही आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि कार्डियो से आप फैट लॉस तो कर दें लेकिन मसल मास गेन जो करने के लिए आपको वर्कआउट का और आपके वेट ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है। जितना आपकी बॉडी में मसल मास रहेगा उतना आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, यानी कि जब आप वर्कआउट नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपकी कैलरीज बर्न करने का प्रोसेस जो है वो इम्प्रूव्ड रहता है। तो मिक्स होना चाहिए दोनों का, और कार्डियो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको वर्कआउट ख़त्म करने के बाद करना चाहिए, और इसके अलावा स्ट्रेचिंग का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। अब आइए हम दूसरे फ्लोर पे आपको दिखाते हैं, हमारा यहाँ योगा भी डेली रहता है सुबह 8 से 9, योगा का भी अपना इंपॉर्टेंस है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, मोबिलिटी के लिए, क्योंकि अदरवाइज सिर्फ वर्कआउट करके जो आपकी बॉडी है वो स्टिफ हो जाती है काफ़ी। किसी भी एक आप वर्कआउट पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत जल्दी या तो आपकी बॉडी प्लेटू में आ जाती है, आपको रिजल्ट आने बंद हो जाते हैं या बोरिंग हो जाता है, और ये जर्नी ऐसी जो आपको लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करनी है। जैसे आप डेली जो है बात लेते हैं या डेली आप जो है ब्रश करते हैं, उसी तरह का पैटर्न है कि डेली आपको वर्कआउट्स भी करने हैं। वर्कआउट इंटरेस्टिंग हो इसलिए आपको उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें डाली जाती है। अब देखिए आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, ये आपको वर्कआउट्स के बाद स्ट्रेचिंग और पहले भी मोबिलिटी के लिए आपको काम करना पड़ता है ताकि आपकी बॉडी लोड ले पाए वर्कआउट के लिए, क्योंकि वर्कआउट पे आपके जॉइंट्स पे आपकी बॉडी पे जोर पड़ता है, उसके लिए तैयार करने के लिए आपको मोबिलिटी पे काम करना पड़ता है। अब यहाँ पे इसके अलावा भी 8 से 9 योगा की क्लास भी रहेगी, तो योगा हुआ, इसके अलावा जुम्बा की क्लास भी वीक में 3 डेज रहती है। वर्कआउट में मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपको वेट ट्रेनिंग जो है वो हफ्ते में 4 दिन मिनिमम करनी चाहिए, और उसके अलावा 1 या 2 दिन का रेस्ट रख सकते हैं, और अपने वर्कआउट की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए जुम्बा एरोबिक्स या योगा आपको ऐड करते रहना चाहिए। ये है वर्कआउट की बात, लेकिन मेन इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है न्यूट्रिशन। आइए सर, चाहे आप वर्कआउट में कितने भी घंटे आप जिम में पसीना बहा लें, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन क्या जा रहा है, तब तक आपके जो रिजल्ट है वो सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड पर बेस रहेंगे, आप अपना मैक्सिमम पीक परफॉर्मेंस का अपना फायदा नहीं ले पाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका BMR कितना है, BMR का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट कितना है, कि अगर आप मान लीजिए पूरा दिन जीरो भी एक्टिविटी करते हैं तो भी आपकी बॉडी को कुछ कैलोरीज चाहिए होती है अपने सर्वाइवल के लिए। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना होता है कि आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना है, कि आपको पूरे दिन में अपनी एज, हाइट, वेट और एक्टिविटी के हिसाब से कितनी कैलोरीज चाहिए उस पूरे काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए। टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर के बाद फिर आप कैलकुलेट करते हैं कि आपका गोल क्या है, अगर आप गोल फैट लॉस है या मसल मास गेन है, तो आप अपनी कैलरी डिसाइड करते हैं, 200 से 300 कैलरीज जो है उसमें से लेस की जा सकती है। ये एक हेल्दी तरीका है। आमतौर पर क्या है कि लोग अपनी या कोई भी एकदम रैपिड फैट लॉस के लिए जो टारगेट करते हैं वो कैलरीज को बहुत कम ले आते हैं, उससे एक तो बॉडी कमज़ोर होती है, सेकेंडली आपका मेटाबॉलिज्म भी वीक होता है। मेन गेम ये है कि आपको अपनी जो कैलरीज है वो अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन देना है। जब तक आपकी बॉडी में जान नहीं होगी, स्ट्रेंथ नहीं होगी, तो इस वर्कआउट्स का कोई भी मतलब नहीं है, जब तक आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। स्ट्रेंथ मेन आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और लगातार आपकी बॉडी प्रोग्रेस करनी चाहिए। प्रोग्रेस के लिए जरूरी है कि आप उसको सही न्यूट्रिशन दें, आपको प्रोटीन, फैट, कार्ब्स प्रॉपर जो है सही मात्रा में होने चाहिए। आमतौर पर कई जिम में क्या होता है, ट्रेनर आपको एंटर करते ही बोलते हैं कि आप रोटी या चावल छोड़ दीजिए, ऐसे नहीं है, आपको कार्बोहाइड्रेट का, फैट्स का और प्रोटीन का एक्चुअल एक फॉर्म अपना कॉम्बिनेशन जरूरी है,
आपको जो कार्ब्स हैं, कार्ब्स आपको इंस्टेंट एनर्जी के लिए बहुत जरूरी रहते हैं। सिंपल कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, दोनों का ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। प्रोटीन जो सिर्फ ये आप जब भी जिम में जाएंगे प्रोटीन 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 की बात की जाती है, हाँ प्रोटीन मसल बिल्डिंग के लिए जरूरी है, लेकिन वो एकमात्र मैक्रो में सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। फैट का अपना इंपॉर्टेंस है, आपके कार्ब्स का अपना इंपॉर्टेंट है, आपको जो है प्रोटीन का अपना इंपॉर्टेंस है। तो ये है तीसरा, आप जब भी जिम में जाएंगे तो आपको हमेशा मिलेगा कि आप वे प्रोटीन ले लीजिए। देखिए, मैं आपको सबसे पहले कहूँगा कि आप अपनी मदर के हाथ से अपने घर का जो खाना खाते हैं, अगर आप वो खाते हैं तो आप कभी भी आपको फैटी या फिर बहुत ज़्यादा अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। इश्यूज आते हैं जब आप बाहर से खाना शुरू करते हैं और जब आप अपने खाने के डाइट पैटर्न का, सोने का, खाने का टाइमिंग का ध्यान नहीं रखते हैं। तो वो जरूरी है कि आप घर का खाना खाएं। हाँ, आपको कैलरीज काउंट करनी बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी कैलरीज काउंट कर रहे हैं। जैसे आप जो भी कुछ खाते हैं उसमें मेन तीन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आपका फैट, कार्ब और प्रोटीन। तो प्रोटीन और कार्ब में चार चार कैलरीज होती है और फैट में 9 कैलरीज होती हैं। कैलरीज काउंटिंग बहुत जरूरी है, इसी के लिए आजकल जो एक नई टर्म जो शुरू हुई क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन, जिस पर कि हम भी बहुत फोर्स करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो प्लेट है उसमें कितनी कैलरीज आपके बॉडी में जा रही है, कितने आपको पूरे डे के अंदर आपका कैलरी इन कितना है। अगर आपका गोल है फैट लॉस का तो आपका कैलरीज इन जो है वो आपके कैलरीज बर्न से कम होना चाहिए, यानी कि आपकी बॉडी में कम कैलरीज जाएंगी तो बची कैलरीज बॉडी आपके फैट से, स्टोर फैट से लेगी। यही एकमात्र तरीका है, यही इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आप इसको कितना भी घुमा सकते हैं, कितना भी कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, और ये आम बंदे को इतना पता होना चाहिए, आम किसी भी शख्स को जो जिम जा रहा है उसको अपना न्यूट्रिशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब हमारे जिम के अंदर हम एक चीज़ का जो फर्क है बाकी सब जिम से, वो ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को या नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में बताते हैं। इवन अगर कोई मेंबर है जो कि चाहे शौक के लिए, चाहे किसी कंपटीशन को लड़ने के लिए स्टेरॉइड का यूज़ करता है, तो हम वो मेंबरशिप ही नहीं देते हैं उनको। इसमें शुरू में हमको थोड़ा दिक्कत आई थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने हमारे कंसेप्ट को समझा, इसको अब धीरे धीरे प्रोग्रेस मिली। अब हमारे पास लोग हर दिन जो लोग जुड़ते जा रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि हाँ, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग या नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना ये एकमात्र तरीका है जो कि हेल्दी तरीका है। स्टीरॉयड के हम कम्प्लीटली अगेंस्ट हैं, क्योंकि उससे यूथ भी मिसगाइड होता है, वो कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। और बेसिकली वो डिजाइन इसी हिसाब से नहीं है कि आपकी बॉडी परफॉर्म करें। हाँ, आप देखने में हो सकता है बहुत छोटे टाइम में बहुत बड़ा दिखना शुरू होने में, लेकिन इंटरनली आपकी बॉडी स्ट्रांग नहीं होती है। तो उसी के अगेंस्ट हमने अपना जिम खोला है, तभी हमारा नाम है नो मेडिकेशन ओनली डेडिकेशन फिटनेस क्लब। ये विकासपुरी दिल्ली में है और मेन हमारा फोकस रहता है न्यूट्रिशन पे, वर्कआउट्स पे और आपकी डाइट्स के ऊपर। और इसी को अगर आप फॉलो करें तो आपको कुछ भी अलग तरीके, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। यही तरीका है एकमात्र कि आपको वर्कआउट करना है डेली। और वर्कआउट ऐसा नहीं है कि आपने 3 महीने किया फिर छोड़ दिया, या फिर आप ऐसा कहते हैं कुछ लोग कि जब मैंने जिम छोड़ा तो मुझे जो है बॉडी मेरी पहले जैसी हो गई। सबकी बॉडी का एक कम्फर्ट जोन होता है, एक्टो एंडो मेसो, 3 बॉडी टाइप्स रहते हैं। तो इसमें जब भी आप वर्कआउट बंद करेंगे तो आपकी बॉडी नेचुरल अपनी जो कंफर्ट जोन है उसी की तरफ जाएगी। इसलिए वर्कआउट न्यूट्रिशन आपको लगातार अपनी ज़िंदगी में हिस्सा बनाए रखना है और लगातार आपको करना है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए हो तो आपको वीडियो के एंड में मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको इसकी गाइडेंस दें। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम योगेश, नो मेडिकेशन ओनली डेडिकेशन फिटनेस क्लब से। धन्यवाद। हाँ, आप करनाल प्लस की टीम से अगर चाहें तो आप मेरा नंबर ले सकते हैं। धन्यवाद।